परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान, एक ऐसा सम्मान जिसका नाम सुनकर ही रगों में जोश और बलिदान की लहर दौड़ जाती है। गणतंत्र दिवस की परेड में देश के परमवीर चक्र विजेता और अशोक चक्र विजेता जवान भाग ले रहे हैं। रिहर्सल में इनके चेहरे का तेज बहादुरी का परिचय दे रहे थे। ये वो जवान है जो हर परिस्थिति में राष्ट्र की रक्षा के लिए डटे रहते हैं, जिनके हौसलों के आगे दुश्मन घुटने टेकने को मजबूर हो जाते हैं। ये वो जवान है जो खुद की जान से पहले देश की आन बान शान को आगे रखते हैं। बहादुर नायब सूबेदार बाना सिंह इस परेड में शामिल हुए। 1987 में उन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए सियाचिन से पाकिस्तान को खदेड़ा था और जीत के बाद उस पोस्ट का नाम बाना पोस्ट नाम रखा गया था। कारगिल वॉर के हीरो नायब सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव की बहादुरी हर किसी को आज भी चौंकाती है। वीरता ऐसी कि 19 साल की उम्र ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। में परमवीर चक्र हासिल किया था। कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल पर कब्जा जमाने के लिए दुश्मन के 3 बंकरों को तबाह करने का जिम्मा इन्हें सौंपा गया था। सीने में 15 गोलियां लगने के बाद भी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई और टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया। परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार भी परेड का हिस्सा बने। संजय कुमार, जिन्होंने 3 गोली लगने के बावजूद कारगिल में मस्को वैली पॉइंट पर फ्लैट टॉप पर दुश्मनों का मुकाबला किया। राइफल में गोलियां खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी 3 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया था। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। खास बात यह है कि पहली बार मिस्र का कोई राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर शामिल मुख्य अतिथि का विशेष सम्मान के साथ सत्कार किया जाता है और उन्हें भारत के राष्ट्रपति के सामने गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। अल सीसी के साथ 180 डेलीगेट्स भी गणतंत्र दिवस समारोह में आ रहे हैं। साथ ही मिस्र की आर्मी भी इस बार परेड में हिस्सा ले रही है। 120 सदस्यीय मार्चिंग दल भी कर्तव्य पथ पर परेड करता दिखाई देगा। गणतंत्र दिवस से पहले मिस्र की आर्मी भी रिहर्सल परेड में शामिल हुई। पच्चीस जनवरी को मिस्र के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से आयोजित भोज में शामिल होंगे। 26 जनवरी को अल सीसी गणतंत्र दिवस परेड में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। भारतीय सेना की पहचान अपने शौर्य और पराक्रम के लिए होती है। इसके अलावा भारत इकलौते घुड़सवार सेना के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। भारत के पास दुनिया की इकलौती घुड़सवार सेना भी मौजूद है। इसे 61 कैवलरी कहा जाता है। इस रेजिमेंट के जवान युद्ध कौशल में तो पारंगत हैं ही, इसके साथ ही उन्हें घुड़सवारी में भी महारत हासिल है। राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के मौके पर जब राजपथ पर आते हैं तो यही रेजिमेंट उनकी अगुवाई करती है। इस रेजिमेंट को 1 अगस्त 1953 को 6 राज्य बलों की घुड़सवार इकाइयों को मिलाकर स्थापित किया गया था। इस रेजिमेंट में शामिल होने वाले जवान ही नहीं, घोड़ों को भी खास ट्रेनिंग के बाद शामिल किया जाता है। ट्रेनिंग की शुरुआत घोड़ों के साथ जवानों की जान पहचान से होती है। इस रेजिमेंट का आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यथो बल है। ये रेजिमेंट कई बार अपने साहस का पराक्रम दिखा चुकी है। अब तक रेजिमेंट के जवानों ने 12 अर्जुन पुरस्कार और 1 पद्मश्री पुरस्कार जीता है। In the form of presence of Agnivirs and key indigenized design and built inductions under Atmanirbhar Bharat. The tableau commanders are Lieutenant Commander in the. इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में नेवी की झांकी में महिला शक्ति की झलक दिखेगी, जिसकी एक झांकी रिहर्सल के दौरान देखने को मिली। परेड में नेवी मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व भी महिला अधिकारी कर रही हैं। इस दस्ते में कुल 144 नौसैनिक होंगे। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का खिताब हासिल करने के लिए ये दोनों भी मैदान में होंगी। पिछले गणतंत्र दिवस पर नेवी के दस्ते को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का खिताब मिला था।
नेवी के दस्ते को लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत लीड करेंगे। इस बार नौसेना की झांकी का फोकस और नारी शक्ति के ऊपर है। नौसेना की झांकी के आगे के हिस्से में डोर्नियर विमान में एक महिला अधिकारी को दिखाया गया है, जो पिछले साल की नौसेना की निगरानी विमान डोर्नियर के फ्लाइंग के सभी महिला चालकों को दर्शाती है। इस बार नौसेना की झांकी के दौरान नए नौसेना ध्वज के अनावरण और नए नौसेना गीत हम है तैयार की धुन भी सुनने को मिलेगी। इस बार की परेड में ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ नए स्वदेशी नीलगिरी वर्ग के युद्धपोत के एक मॉडल में नेवी के मार्कोस कमांडो भी नजर आएंगे। बीच में स्वदेशी कलवारी श्रेणी की पनडुब्बियों के कटआउट मॉडल दर्शाए गए हैं। परेड में पहली बार भारतीय वायुसेना का गरुड़ दल कर्तव्य पथ पर मार्च करेगा। स्क्वाड्रन लीडर पीएस जैतावत गरुड़ दल का नेतृत्व करेंगे और स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी इस दल की कमांडर होंगी। रिहर्सल में स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी दल का नेतृत्व करती नजर आएं। गणतंत्र दिवस समारोह में भारतीय नौसेना के जासूसी विमान IL-38 को भी शामिल किया गया है, जिसे पहली और आखिरी बार कर्तव्य पथ पर उड़ान भरने का मौका दिया गया है। भारत इस अवसर पर विशेष बलों और भारत निर्मित मिसाइल शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बार गणतंत्र दिवस पर फ्लाई पास्ट में भारतीय वायुसेना के 45 विमान शामिल होंगे। इसके साथ ही भारतीय नौसेना से एक और भारतीय सेना से 4 हेलीकॉप्टर भी शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा MiG-29, राफेल, जैगुआर, SU-30 विमानों द्वारा एरो, एब्रेस और अन्य जैसे कुल 13 फॉर्मेशन होंगे। इसी स्वावलंबन को दर्शाता अगला दस्ता क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल का, इसमें 3 गाड़ियां। गणतंत्र दिवस में इस बार नाग मिसाइल सिस्टम की भी झलक नजर आएगी। ये मिसाइल सिस्टम सीमा पार दुश्मनों को नेस्ते नाबूद करने में सक्षम है। देश में पाए जाने वाले कोबरा सांप के नाम पर इस मिसाइल का नाम है। सिर्फ नाम ही नहीं, इसका वार भी कोबरा जैसा है। शामिल है जिसमें क्रू लेस टर्रेट है, जो कि 6 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम है। नाग मिसाइल एक स्वदेशी फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नाग मिसाइल का एक बार दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने को काफी है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तीसरी पीढ़ी की इस मिसाइल को तैयार किया गया है। ये 5 तरह के वेरिएंट्स में आती है और हर मौसम में तैनात की जा सकती है। नाग मिसाइल को 10 साल तक मेंटेन करने की जरूरत भी नहीं होती है। सिर्फ 43 किलो वजनी ये मिसाइल 828 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से दागी जा सकती है। मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में नाग मिसाइल ने आकार लेना शुरू किया था। गणतंत्र दिवस की दिल्ली परेड में इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी भी अयोध्या के दीपोत्सव पर आधारित होगी। इस बार अयोध्या दीपोत्सव उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय होगा। 3 साल में ये दूसरी बार है जब परेड में यूपी की थीम का विषय अयोध्या है। अयोध्या का भव्य और अनोखा दीपोत्सव राम राज्य के दिव्य संदेश को दुनिया और बड़े पैमाने पर मानवता तक पहुंचाने का प्रयास है। इस झांकी में भगवान राम के पारिवारिक गुरु ऋषि वशिष्ठ की एक बड़ी मूर्ति को सामने के हिस्से में रखा जाएगा। एक दीपक की बड़ी आकृति भी होगी। भगवान राम के वापस लौटने पर अयोध्या वासियों में खुशी का माहौल भी झांकी में दिखेगा। यूपी की झांकी में अयोध्या का नजारा दीपोत्सव पर केंद्रित करने की भी कोशिश होगी। यानी अब अयोध्या के दीपोत्सव की झलक गणतंत्र दिवस की झांकी में दिखेगी। इसके अलावा कई अन्य राज्यों की भी झांकी कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगी। नाउ इज द इंडियन एयरफोर्स टैब्लो डिस्प्लेइंग द थीम इंडियन एयरफोर्स फार बियॉन्ड बाउंड्रीज। रोटेटिंग ग्लोब हाइलाइट्स द इंडियन एयरफोर्स एक्सपेंडेड रीच व्हेरबाय इट हैज बीन एबल टू रेंडर ह्यूमैनिटेरियन एड अक्रॉस बॉर्डर्स। AWNC हमारे परम
शस्त्र विजेता, हमारे योद्धा जो आज भी प्रेरणा के ज्वाला। गणतंत्र दिवस के आयोजन में आम लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। इस बार सीटों की संख्या को भी बदला गया है। सीटों की संख्या घटाकर 45,000 कर दी गई है। सीटों में से 32,000 सीटें इस साल आम जनता के लिए ऑनलाइन बुकिंग के लिए उपलब्ध होंगी। सेंट्रल विस्टा और नए संसद भवन के निर्माण के लिए काम करने वाले श्रम योगी इस समारोह का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा सब्जी और दूध विक्रेता गणतंत्र दिवस परेड के लिए विशेष आमंत्रित होंगे और गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य मंच के सामने बैठेंगे। वहीं सरकार गणतंत्र दिवस परेड के लिए वैध टिकट या निमंत्रण पत्र रखने वाले दर्शकों को मेट्रो के स्टेशन से आसानी से परेड स्थल पर जाने का इंतजाम कर रही है। आत्मनिर्भर भारत पहल पर ध्यान केंद्रित करते हुए कुछ मेक इन इंडिया उत्पादों को परेड के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसे हर देशवासी पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाता है। हर भारतीय को इस दिन का इंतजार रहता है। 26 जनवरी को उत्साह के साथ मनाने के लिए सरकार और प्रशासन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस बार भी 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजपथ पर सांस्कृतिक विविधता में एकता, अखंडता, सैन्य ताकत की झलक देखने को मिलेगी। ये वो दिन है जब भारत ने अपने देश और अपने नागरिकों के हित में स्वतंत्रता के साथ संविधान को पारित किया, जिस संविधान में भारत का विकास निहित है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।